हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर आपका नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। तो इससे पहले हम पॉलीमर्स की वीडियो भी देख चुके हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और केमिस्ट्री के सभी नोट्स और सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगे। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं और फुल डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी वीडियो देखने के लिए। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल या मोनोमर्स कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज चेन लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं या पॉलीमर बनाते हैं, उसे चेन लिंक या नेटवर्क लिंक भी कहते हैं हम, और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में बना लेते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स जुड़कर, तो इसे ही पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये तो हो गई पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन। इसके बाद जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो कितने टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पर हमने पहला टाइप लिया है एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन और चेन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मोनोमर्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ये जुड़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, अ मोनोमेरिक मॉलिक्यूल यूजली कंटेंस वन और मोर डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है जो एक या एक से ज़्यादा या डबल बॉन्ड जो है रखते हैं। और यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में प्रोसेस क्या होता है, विच बाय इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में मेक द मॉलिक्यूल बाई फंक्शनल। तो इसमें रीअरेंजमेंट के थ्रू, इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के थ्रू इसे हम मॉलिक्यूल को बाई फंक्शनल बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर, और रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसे हीट, लाइट, प्रेशर या दाब देते हैं, तो जिससे ये बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। इसके बाद इसका पॉलीमराइजेशन या एडिशन होता है। इसमें इसका रिएक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि इथेन का मोनोमर है, यहाँ पर इथेन का मोनोमर में डबल बॉन्ड है, सबसे पहले तो इसका रीअरेंजमेंट करके इसे बाई फंक्शनल बना लेते हैं और इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इसमें एडिशन करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही एडिशन करेंगे ये पॉलीथीन बन जाएगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इसमें हम जोड़ देंगे तो इथेन से पॉलीथीन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस जो है हमारी पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, इट इज़ मस्ट बी इंस्टिगेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट, प्रेशर फॉर ब्रेकिंग डाउन द डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ मोनोमर। तो हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, प्रेशर हो गया, किसके लिए, ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इसे ब्रेक करने के लिए मोनोमर्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट टाइप हमारे पास कंडेंसेशन और स्टेप पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या होता है, इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें भी टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं विथ द रिलीजेस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, जैसे रिलीज के साथ वाटर और HCl, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू मेक प्लास्टिक, और ये प्रोसेस जो यूज होती है वो प्लास्टिक्स बनाने में भी यूज होती है, जैसे कि एग्जांपल पर आप देख सकते हैं, पॉलीएस्टर फॉर्म्स मॉलिक्यूल ऑफ एथाइलीन ग्लाइकोल एंड टेरीफिटेलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, टेरीफिटेलिक एसिड और एथाइलीन ग्लाइकोल से जो है पॉलीएस्टर बनता है। केमिकल रिएक्शन आप कुछ इस तरीके से इसका लिख सकते हैं, और बहुत ही आसान है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट, नेक्स्ट टाइप है हमारा यहाँ पर को पॉलीमराइजेशन। तो को पॉलीमराइजेशन लास्ट टाइप है इसका, इट इज़ द जॉइंट पॉलीमराइजेशन। तो ये एक जॉइंट पॉलीमराइजेशन है ऑफ टू और मोर मोनोमर स्पीसीज। तो इसमें टू या दो या दो से ज़्यादा मोनोमर स्पीसीज होती हैं, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन को पॉलीमर टू एल्ड GRS रबर्स। आज की वीडियो में हमने देखा पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।